ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर लेटर है वो लिखा गया था सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ये लेटर लिखने के बाद उन दोनों ने साथ में काम करके फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। ये बुनियाद बना काफी सारे नोबेल प्राइजेस का, पर उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्यों, क्या क्या काम किया, चलिए जानते हैं सत्येंद्रनाथ बोस की कहानी। ये वीडियो गूगल इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। देखो, मैं जानता हूँ आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड हो कि इस लेटर में लिखा क्या है, बट शायद अगर मैं अभी पढ़ लूँ तो आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेटर को सेंटर रखेंगे और फिर टाइम में मूव करेंगे। हम इसकी पहली कहानी जानेंगे, कॉन्टेक्स्ट जानेंगे और लेटर के बाद के टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस लेटर के वो जानेंगे। और टेंशन ना लो, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल किया है, समझ जाएगा। अभी हम जाते हैं बहुत पहले 1900 में। बोस यहाँ पे 6-7 ईयर ओल्ड किड थे, पर यहाँ फिजिक्स की दुनिया में ब्लैक बॉडी की मस्ती चल रही थी। देखो, जब कोई भी चीज गर्म होती है ना, वो लाइट देने लगती है या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने लगती है। रेडिएशन सुन के कुछ लोग कैंसर तक लेके जाते हैं। रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आप जो लाइट देख रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो अभी, वो भी लाइट के रेडिएशन से देख रहे हो। स्टील का ही ले लो, स्टील गर्म करने लगा तो रेड हो जाने लगता है। वैसे ही काफी सारी चीजें कलर्स बदलने लगती है सर्टेन टेम्परेचर पे। हमारे सन के ले लो, सन हमारे येलोइश व्हाइटिश है, पर कुछ स्टार्स है जो ब्लूइश वायलेट साइड पे है क्योंकि वो ज्यादा गर्म है। तो अगर मैं स्टील का ही ग्राफ प्लॉट करने जाऊं, सपोज लेफ्ट में डालूं इंटेंसिटी के कितना लाइट आ रहा है और नीचे डालूं उसका कलर या स्पेसिफिकली वेवलेंथ, तब देखोगे रेड स्टील का और रेड हॉट स्टील का रेड में सबसे ज्यादा है। पर ऐसा नहीं कि बस रेड ही दे रहा है, एक्चुअली वो दूसरे कलर्स भी दे रहा है और कुछ इंफ्रा रेड और यूवी में भी दे रहा है। इंफ्रा रेड वगैरह हमें आंखों से दिखता नहीं है, अगर आपको देखना है तो आपका फोन का कैमरा जो है अपने रिमोट के बल्ब के पास पॉइंट करके बटन दबाने लगो, आपके दिखेगा बल्ब ग्लो हो रहा है, पर आप आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इंफ्रा रेड वेवलेंथ में हमारे आंखें बनी नहीं है उसके लिए। सिमिलरली यूवी में भी कुछ लाइट देगा, पर आप देखोगे ये जनरल अगर ग्राफ प्लॉट करने को, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है किसी का, वो ज्यादा यूवी देने लगता है, कम आईआर देता है, ज्यादा वायलेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब रेस चल रही थी इस ग्राफ को, यानी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को। ब्लैक बॉडी मतलब एक परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर, उसमें ज्यादा नहीं जाते। इस ग्राफ को हम फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे रिटर्न फॉर्म में कैसे, आप एक्सपेरिमेंट लेके मैनुअली डेटा लेके प्लॉट तो कर सकते हो, पर ये मैथ में कैसे दिखेगा। काफी सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे जैसे बोल्ट्जमैन वगैरह। मैक्स प्लैंक का आइडिया था कि ये जो रेडिएशन एनर्जी आ रही है वो छोटे पैकेट्स में आ रही है, कॉल्ड क्वांटा, और ये क्वांटा ही बाद में शब्द बना क्वांटम और क्वांटम मैकेनिक्स का। ये बुनियाद थी क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड की। अब ऑफ कोर्स वो अकेले नहीं थे, और बोल्ट्जमैन वगैरह के काम पे काम कर रहे थे, पर उतना अंदर नहीं जाते। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें वो रिजल्ट लेके रिवर्स डिराइव करने गए और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एनर्जी है वो हमेशा एक मल्टीपल रही है एक एलिमेंट्री यूनिट की टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और फिर ये जो कांस्टेंट बना वो बना प्लैंक्स कांस्टेंट आगे जाके। पर याद रखो, अब तक इसका प्रॉपर डेरिवेशन नहीं था, मतलब ये एक मैथ ट्रिक काइंड ऑफ इस्तेमाल करके उन्होंने ये डिराइव किया था, बट इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन नहीं था अब तक। काफी सारे अटेम्प्ट्स थे, बट कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज में करता और फिर बाद में इन्फिनिटी जाता था, कुछ पहले करता और फिर जीरो जाता था, तो परफेक्ट कुछ था। मैक्स प्लैंक को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1918 में, बाद में 18 साल बाद। अभी देखो, हम इस फेज में है जब ये पूरी दुनिया को श्योर नहीं है कि लाइट क्या है, वेव है कि फोटोन या एक पार्टिकल है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। अभी आते हैं 1919 में। यहाँ पे अभी बोस बड़े हो गए, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए उनके फ्रेंड मेघनाथ साहब के साथ एज लेक्चरर। अब मेघनाथ साहब को पता होगा या नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिक्स वो साहा और महालोबनिस, इन्होंने मिलके आइंस्टाइन और मिनकाउंस्की के जो रिलेटिविटी के पेपर्स थे वो ट्रांसलेट किए इंग्लिश में, और ये फर्स्ट ट्रांसलेशन था, ये फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने पब्लिश किया। थोड़ा और दो साल आगे 1921 में बोस को नई जॉब ऑफर मिल चुकी है, उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका जो उस टाइम ढाका था, एज ए रीडर। रीडर मतलब एक प्री प्रोफेसर काइंड ऑफ रोल था। फन फैक्ट, तभी सीवी रमन भी थे एज प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में, और बोस के जो कलीग थे उनमें से एक थे जेसी घोष जो एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। उन्होंने शुरू किया टीचिंग बच्चों को क्वांटम थियोरी, पर वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि कोई लॉजिकली सेटिस्फैक्टरी प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन नहीं था, वो बिल्कुल खुश नहीं थे इसके साथ। 1924 के आसपास उन्होंने इस पे काम किया था। तभी बोस काफी टाइम कंप्लेन करते थे मेघनाथ साहा से कि यहाँ का फैसिलिटीज वगैरह अच्छा नहीं है, लेटेस्ट चीज वगैरह आती नहीं इस यूनिवर्सिटी में। साहा कुछ पेपर्स छोड़ के गए थे, पॉली के, आइंस्टाइन के वगैरह। बोस ने ये पढ़े और उन्हें दो पेपर्स पब्लिश किए, एक थे प्लैंक्स लॉ इन द लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस और दूसरा था थर्मल इक्विलिब्रियम इन रेडिएशन फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैटर। ये दोनों लेटर्स वो फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजते हैं, पर उन्हें कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें समझा नहीं होगा फिलोसॉफिकल को ये कॉन्सेप्ट। फिर रहता है बिग मोमेंट इन हिस्ट्री जो सब बदल दिए। बोस डिसाइड करते हैं कि वो लेटर आइंस्टाइन को भेजेंगे ये आर्टिकल, और वो दिन आज था इस वीडियो के अपलोड
कोविड के दिन 4 जून 1924, ऑलमोस्ट 98 ईयर्स पहले। उस लेटर में जिसके साथ वो फर्स्ट पेपर अटैच था, उसमें लिखा कि वो ही आपको भेज रहे हैं लेटर उनके ओपिनियन के लिए, वो जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्लैंक्स लॉ है वो डिराइव करने की कोशिश की है विदाउट क्लासिकल लॉज या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उतना भी जर्मन नहीं आता कि वो ट्रांसलेट कर सके पेपर, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो ट्रांसलेट करके जो उस टाइम की जर्मन मैगजीन थी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर नाम है मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करूं, पब्लिश करे तो वो खुश या उन्हें अच्छा लगेगा। और उन्हें ये भी याद दिलाया कि वो पहले भी इनसे बात कर चुके हैं जब इनसे परमिशन लेनी थी रिलेटिविटी के पेपर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, जो मैंने पहले बोला। देखो, बोस के जो पेपर में थे वो जो सजेस्ट कर रहे थे एक थर्मल इक्विलिब्रियम इस पार्टिकल्स के, मासलेस पार्टिकल्स के, जो इसके इसमें फोटॉन्स है, जो लाइट के पार्टिकल्स है, वो कभी कंजर्व नहीं होते एक पोजीशन। मतलब देखो, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, हमें आजकल तो बताया कि बोस ने सजेस्ट किया कि ये जो फोटॉन्स है, पार्टिकल्स है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, वो एमिट भी हो सकते हैं, वो एक अगर आप सिस्टम में लो तो हमेशा कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर आप 100 एक सिस्टम में डालो तो 100 ही नहीं होंगे, मे बी कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, मे बी कुछ एमिट हो जाए। तो उनकी प्रिडिक्शन के लिए एक नया वे ऑफ स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, जो ये जो बाद में बन गया बोस स्टैटिस्टिक्स, या कुछ लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप काउंट करते हुए पार्टिकल्स आपके जो मीडियम है उसे सेल्स में डिवाइड करके या रूम्स में डिवाइड करके। 15 जून को बोस ने अपना सेकेंड पेपर भेजा। इन दोनों पेपर का यही था कि देखो, आप जो ये फोटॉन्स पे जो लॉज लगा रहे हो, आप अपने क्लासिकल लॉज नहीं लगा सकते, इनके इनका जो सिस्टम है वो अलग होगा। सेकेंड पेपर पे आइंस्टाइन ने कुछ अग्री नहीं किया काफी पॉइंट्स पे, बोस खुश नहीं थे। बोस ने थर्ड पेपर भी लिखा था समझाने के लिए कि आइंस्टाइन नहीं समझ पा रहे वो कहना क्या चाहते हैं वगैरह। काफी लोग कहते हैं कि ये टर्निंग मोमेंट था बोस के लिए, और वो काफी सालों तक ओरिजिनल वर्क नहीं हाथ लगा इस फील्ड में जितना हो सके। एनीवेज, ये सब स्टोरीज है, मेरे सब सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, पर आप देखोगे कि एक कॉमन थीम है, अलग लेंस से अलग स्टोरी सुनाई देते हैं कुछ कुछ सेक्स के, और वो फाइन है। मैंने पार्था घोष सर से भी बात की जो बोस के लास्ट स्टूडेंट थे। इन सब साइंटिस्ट में एक कॉमन है कि यार ये आपको ना ऐसे बच्चों की तरह सिखाते हैं, अपने बच्चों की तरह समझाते हैं, बड़े हम्बल लोग हैं। मैंने एक कांड कर दिया, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब वो फेल हो गया ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो बस यही था मेरे पास दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत, 2 जुलाई पे उसी मंथ के आइंस्टाइन ने वो पेपर ट्रांसलेट करके सबमिट किया उस मैगजीन में। उन्होंने उसमें एक नोट भी लिखा कि उन्हें पसंद आया और कहा कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आगे, और कहा कि वो पहले ऐसे इंसान है जो क्वांटम फैक्टर थियोरेटिकली डिराइव किए। अब इस समय पे बोस काफी फेमस हो गए थे, और जैसे मैंने कहा सेकेंड पेपर भी पब्लिश किया उसके बाद, और वो सब क्रिटिक वगैरह लिखा और वो खुश नहीं थे वगैरह वगैरह। 10 जुलाई पे कुछ ही टाइम बाद उसी महीने में उसी साल में आइंस्टाइन ने अपना पेपर, फर्स्ट पेपर बोस के काउंटिंग मेथड के ऊपर पब्लिश किया उनकी साइड से, उनके आइडिया को एक्सटेंड करते हुए। पर आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये जस्ट फोटॉन से नहीं, इवन नॉर्मल मटेरियल एटम्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आइडिया। पर इस समय बोस के साइड पे कुछ और चल रहा था। इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में थोड़े फंडिंग इश्यूज होने लगे थे, सैलरीज वगैरह कट होने लगी थी लोगों की। बोस ने यूनिवर्सिटी के हेड से बात की, उन्होंने अग्री किया कि बोस 2 साल के लिए स्टडी लीव पे जाएगा बाहर दूसरे देशों में, और यूनिवर्सिटी से नेगोशिएट किया कि वो सब एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। आते आते अक्टूबर में बोस निकले पेरिस को तभी शिप से, और उन्होंने मॉरिस डी ब्रोगली, जो लुइस डी ब्रोगली के भाई थे, उनके साथ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी काम किया, वो वन ऑफ द बेस्ट बन गई थी उस फील्ड में। उसके बाद इवन मदाम क्यूरी, जो एक और नोबेल प्राइज विनर थी, उनके साथ भी काम किया रेडियम इंस्टीट्यूट में। अगले साल यानी 1925 में आइंस्टाइन ने सेकेंड पेपर पब्लिश किया बोस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और जिसमें उन्होंने वेव लाइक कैरेक्टर वगैरह सजेस्ट किया। देखो, ये बोस और आइंस्टाइन साथ में मिलकर एक ही चीज कहना चाहते थे कि स्पेसिफिकली बोस, कि ये जो फोटोन है ये आप नॉर्मल दूसरे पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या न्यूट्रिनो हुआ, ये खुद में एक अलग कैटेगरी है, अलग क्लास है, और ये एक ऐसा पार्टिकल है जो स्पेसिफिकली बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। अब इनकी खासियत ये थी कि ये सब एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते थे, तो इसका ये होता है कि अगर हम इसे कूल करें, बहुत ठंडा करें, तो ये सब मटेरियल एटम्स जो है वो उनकी जो वेव्स है ओवरलैप करने लगते हैं, और ऐसे एक्ट करते जैसे वो सब एक ही आइटम है, मतलब उनकी इंडिविजुअल कोई है ही नहीं आइडेंटिटी, और वो सब एक है, और तब हमें वेव जैसा बिहेवियर दिखने लगता है। और ये बहुत अजीब है क्योंकि ये पूरा जो फ्लूइड है, जो सुपर फ्लूइड है, वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे ग्रेविटी है ही नहीं, वो वॉल क्लाइंब करेगा, मटेरियल्स के थ्रू चला जाएगा ग्लास वगैरह के। इमेजिन करो, आपकी कॉफी या चाय को आप स्टर करो और 10 मिनट के बाद आओ और अभी भी घूम रहा है, वो फ्रिक्शन फील ही नहीं कर रहा है, काफी अजीब है ये। आपने ये फेमस वीडियो देखा होगा हीलियम 4 को सुपर फ्लूइड में कंडेंस करके, वो कैसे अजीब बिहेव करने लगता है। और ये थी बुनियाद तभी लिखी गई थी दोनों की तरफ से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। बोस जब निकले थे पेरिस में तो उन्हें मिलना था आइंस्टाइन के साथ ताकि उनके साथ काम कर सके, पर ये
1925 आते आते जब बोस फाइनली मिले आइंस्टाइन से, काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट के मिलने के बाद, आइंस्टाइन एक नए सब्जेक्ट पे चले गए थे, वो था यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, यूनिफिकेशन थ्योरी। अभी चेंज ऑफ रिसर्च था तो वो उतना अभी इंटरेस्टेड नहीं थे साथ में काम करने में, अलग अलग फील्ड्स के थे। हाउएवर तभी आइंस्टाइन ने उन्हें एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था जो काफी यूजफुल हुआ ने काफी जर्मन साइंटिस्ट से मिलने के लिए, जैसे फ्रैंक बोर वगैरह वगैरह। 1926 तक उनके 2 साल खत्म होने आए थे, हो गए थे। अभी इस टाइम पे यूनिवर्सिटी ढाका में एक प्रोफेसर की पोजीशन खुल गई थी, पर प्रॉब्लम ये था कि बोस के पास एक डॉक्टरेट डिग्री नहीं थी अप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन से रिक्वेस्ट किया कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे, और तभी आइंस्टाइन बहुत फेमस थे, उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन मना कर देगा। तो वो वापस इंडिया में आए, उन्हें वो प्रोफेसर का जॉब मिला। उसी साल 1926 में ही पॉल डायरेक ने 2 टर्म्स कॉइन किए, एक था बोसॉन्स और एक था फर्मियन, और ये आज स्टैंडर्ड मॉडल का पार्ट है कि दुनिया में 2 तरह के पार्टिकल्स है, एक था बोसॉन और एक था फर्मियन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब फर्मियंस है, फोटोन वगैरह ये सब बोसॉन्स है पे है, और ये मेनली बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। फर्मियंस के केस में वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, यानी कि आप समझो हम लिटरली अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप बोस के काम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि फोटोन्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जो काफी फैसिनेटिंग है। ये बोसॉन वो शब्द और भी आग लग गई थी जब हिग्स बोसॉन का डिटेक्शन हुआ था और वो नोबेल प्राइज वगैरह कन्फर हुआ था, पर स्टिल हम इस इंसान के बारे में बहुत कम जानते हैं। एक छोटा सा ये था कि यहाँ पे ही बोस आइंस्टाइन का साथ काम करना खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी 1953 में वो दोनों लेटर्स एक्सचेंज कर रहे थे यूनिफिकेशन थियरी के ऊपर। बोस ने उसके बाद रिसर्च कंटिन्यू किया अलग अलग फील्ड्स में, वो लैंग्वेजेस के में चले गए, वो राज्यसभा एमपी भी बन गए, उन्हें इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी मिला। पर मुझे पता है कमेंट्स में क्या होगा कि नोबेल नहीं मिला। पर देखो यार, जब भी मैं ऐसे टॉपिक के इंडियन साइंटिस्ट के साथ बात करता हूँ तो उनका एक ही ओपिनियन होता है कि वो नोबेल प्राइज के लिए काम नहीं कर रहे, उनका एम है बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना साइंस के ऊपर, जो इस केस में अगर आप देखो तो बहुत बड़ा था। आप में और हम में कितने ही लोगों ने बोस के बारे में सुना था, मैंने एसएन बोस ये सुना था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी सुना था और बोसॉन से सुना था, पर इतनी डीप लिंक और हिस्ट्री इस चीज की ये नहीं बताते मेरे को कि आपको पता थी। अब आप कर सकते हैं अपने साइड से अवेयरनेस, दूसरों को बता सकते हैं जब आप फन फैक्ट्स बोलो। इनफैक्ट गूगल ने भी ये वीडियो जो स्पॉन्सर किया है इसी के कारण किया है, अवेयरनेस रेज करने के लिए एसएन बोस के ऊपर। इनफैक्ट 4 जुलाई को अगर आप वीडियो देख रहे हो, 4 जून सॉरी, तो अगर आप गूगल पे जाते हो तो आपको गूगल ड्यूडल दिखेगा इस इवेंट के ऊपर डेडिकेटेड, इस लेटर के ऊपर, एसएन बोस के ऊपर। और अगर आप इस वीडियो 4 जून के बाद देख रहे हो तो टेंशन नहीं, आप गूगल डूडल के आर्काइव के ऊपर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बोस को सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। आई होप ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और आपको इनफ समझा इस टॉपिक के बारे में, और आई होप आप में एक नया अप्रिसिएशन हो सत्येंद्रनाथ बोस के लिए। थैंक्स फॉर गूगल फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। ज्ञान के गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत, मेंबर जरूर बन। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, बुटले चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, सचिन यादव, कुजीय मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, अमित नंबियार, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, प्रिंस बंसल, विशाल बारोत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग और क्रिस नायर।